वेलकम टू स्टडीनिक्स। स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम मैथ का टेस्ट लेंगे, देखते हैं कितना क्वेश्चन कितने लोग करते हैं। जो भी क्वेश्चन किया करिए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए, और जो क्वेश्चन ना आता हो उसको भी कमेंट करिएगा कि सर इसको दोबारा बता दीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम पहले उसको डिस्कस कर देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपने धन का 20% अपने बड़े लड़के को देता है, शेष का 30% अपने छोटे लड़के को देता है, उसके बाद बचे हुए धन का 10% एक विद्यालय में निर्धन बालकों के लिए देता है, अंत में उसके पास 100 रुपये और 80 पैसे बचे हों, तो बताइए उसके पास कुल कितने धन था, यानी टोटल धन उसके पास कितने था जिसमें से वो 20% 10% और 30% दे देता है। ठीक है, तो अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो पहला क्या है, 20% अपने बड़े लड़के को देता है, 30% अपने छोटे लड़के को और 10% निर्धन बालकों को देता है, विद्यालय में जो निर्धन बालक हैं उनको देता है। ठीक है, उसके बाद जो बचता है 100 रुपये और 80 पैसे उसके पास बचता है, तो पहले उसके पास कितने रुपए थे यही पूछा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो सिंपली आप लोग क्या करिएगा, यहाँ परसेंटेज वैल्यू दिया है, इसको हम पहले फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। अगर फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि इसको कैसे चेंज करते हैं। अगर आप इसको जानना चाहते हैं कि कैसे चेंज करते हैं, तो हमारा परसेंटेज का लेक्चर देखिएगा, इस चैनल पे अवेलेबल है, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 30% का 3/10 और 10% का 1/10 होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, 5 पहले था उसके पास, 5 में से एक दे देता है तो बचेगा कितना, 4। उसके बाद देखिए 10 था उसके पास, 10 में से 3 दे देगा तो बचेगा कितना, 7। उसके बाद देखिएगा 10 था उसके पास, तो उसके बाद उसमें से क्या कर देता है, एक दे देता है, तो कितना बचेगा, 9। अब सिंपली क्या करेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500। ठीक है, 500 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 4 × 9 × 7। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 100 रुपया है, इसको हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये रुपए में है तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 पैसे का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम 100 में 100 पैसे का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा पैसे में हो जाएगा, उसके बाद प्लस 80 पैसे पहले से हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसको काउंट कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 80 पैसे, तो ये भी आपका पैसे में हो गया और ये भी, तो हो जाएगा 10,000 80 पैसे। ठीक है, अब देखिएगा इनकी वैल्यू, यानी 4 × 9 × 7, ये आपका बचा हुआ रुपया है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 10,000 80 पैसे, यही दिया है। अब यहाँ से 1 पैसे की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, 80 पैसे बटे में 4 × 7 × 9। अब सिंपली इसका सॉल्व करेंगे तो देखिएगा पहले क्या करेंगे, पहले 4 से काटेंगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 4 × 5 = 20, फिर क्या होगा, 4 × 2 = 8, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिएगा 7 से काटिएगा तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा तो 7 × 6 = 42 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 9 से सॉल्व करेंगे तो 9 × 4 = 36, यानी आपका आ जाएगा 1 की वैल्यू यहाँ से आपका 40 आ गया। कितना आ गया, 40। अब यहाँ पे हमें 500 की वैल्यू चाहिए, कितने की वैल्यू चाहिए, 500 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लिखिएगा 500 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 500 × 40। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 5 = 20, यहाँ पे 20, उसके बाद 1, 2, 3, 3 0 है, 3 0 बढ़ा दीजिए, यानी आपका हो जाएगा 20,000 पैसे। अब इसको अगर हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी यही आपका आ जाएगा 200 रुपये। कितना आ गया, 200 रुपये, यानी उसके पास टोटल पहले कितना था, 200 रुपये उसके पास था। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आई होप ये क्वेश्चन आपको आ ही गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 2 के पास।
आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर टू। उसके बाद अगर नहीं आता है तो रुके रहिएगा, उसके बाद हम उसको सॉल्व करवाते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा ताकि हमें पता चलेगा कि हाँ कितने लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति, एक घोड़ा और गाड़ी 1800 रुपये में ख़रीदता है। उसने घोड़े को 10% लाभ पर और गाड़ी को 30% लाभ पर बेचता है। उसका कुल लाभ 27/2% होता है, तो घोड़े का मूल्य क्या होगा यही बताइए। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि घोड़े का मूल कहिए या लागत कहिए, बात एक ही है। ठीक है, क्या होगा यही बताइए, समझ गए आप लोग। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा पहले घोड़ा, उसके बाद गाड़ी। ठीक है, घोड़े को 10% लाभ पे, गाड़ी को कितने में, 30% लाभ पे। उसके बाद टोटल उसका लाभ जो कितना हो रहा है, 27/2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 9 है। अब देखिए क्या करेंगे, 30 और 27/2 का यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे और 10 और 27/2 का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसको एलिगेशन टाइप से करेंगे। अब देखिए 30% का और यहाँ पे 27/2 है, इनका डिफरेंस क्या होगा, तो आप देखिएगा बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे 30 है, अब 30 में से अगर हम 27 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 3। 3 में मान लीजिए 1 की वैल्यू ये है। ठीक है, तो अभी आपका बचा है 2, तो यहाँ पे 2 लिखिएगा। उसके बाद देखिएगा 9 में से 2 ख़त्म हो जाएगा, यानी 9 में से 2 माइनस अगर हम कर देंगे, किसमें से, 1 में से 9 में से 2, 1 में से अगर 2 बटा 9 माइनस कर देंगे तो हमें बचेगा कितना, 7/9। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 7/9%। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लिख के यहाँ पे लिखेंगे, तो बताइए 10% और 27/2% का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 17/2% हो जाएगा। हो जाएगा ना, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 9 × 2 = 18, 18 × 7 = 25 हो जाएगा, 25%। यहाँ से देखिए परसेंटेज हटा दीजिए, परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 9 × 7 = 17, 153 में 2 काउंट कर देंगे तो हो जाएगा 155/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका भी 9/9 है, तो 9 से 9 कट गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 5 यानी 5:31 आ गया। ठीक है, अगर हम इसको टोटल करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, घोड़ा गाड़ी यानी घोड़ा प्लस गाड़ी का मूल पता चल जाएगा। तो अगर हम इसको काउंट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 36। तो अभी आप लोग समझिएगा 36 है। ठीक है, हमसे मूल किसका पूछ रहा है, घोड़ा का, तो अब बताइए इसका कितना है मूल, अभी 5 है। ठीक है, किसमें से, 36 में से, और टोटल वैल्यू जो हमें मिली है राशि वो कितना है, 1800 है। कितना है, 1800, यही 1800 में ही हमने घोड़ा और घोड़ा गाड़ी खरीदा है ना। तो अब देखिएगा इसको अगर आप लोग सॉल्व करिएगा तो 18 × 36, ठीक है, 2 से 100 को काट दीजिएगा तो यह हो जाएगा 50। अब 5 × 25 यानी 250 रुपया हो जाएगा आपके घोड़ा का मूल, किसका मूल, घोड़ा का। समझ गए आप लोग, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बस आप लोग समझ जाइए कैसे करना है, बस और कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। अगर ये बेसिक आ जाता है तो इसको आप फास्ट भी कर सकते हैं, तो पहले आप लोग बेसिक समझिए, ये बेसिक से ही ट्रिक बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया होगा, देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इस बार का है, ध्यान से दीजिएगा, इसको अटेम्प्ट करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा एक कूलर का सूचित मूल 1500 रुपये है। ठीक है, तथा सामान 15% सामान्यतः 15% बट्टे पर बेचता है। ठीक है, किंतु ऋतु परिवर्तन के कारण दुकानदार 10% अतिरिक्त
बट्टा देता है, यानी बट्टा घोषित करता है, तो कूलर का विक्रय मूल क्या होगा, यानी कूलर का विक्रय मूल क्या होगा यही बताइए। इसका सूचित मूल यानी अंकित मूल, यानी आपको एमपी कितना दिया है, 1500 दिया है, यहाँ पे 1500 दिया है। अब बताइए ये 1500 अंकित मूल दिया है, अगर यहाँ पे आपका 1500 दिया है तो अगर हमें 15% आपका पहले बट्टा दे रहा है तो बताइए 1500 का 15% कितना होगा, बताइए। हाँ अगर आपको नहीं पता है तो हमारा परसेंटेज का वीडियो देखिए। तो अब देखिए 1500 का 15% आपका हो जाएगा 225 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, उसके बाद देखिएगा यहाँ 10 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, सॉरी 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा आपका 7, ठीक है। यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2, उसके बाद 1। अब क्या कर रहा है, ये जो मूल आया इस पर 10% अतिरिक्त बट्टा दे रहा है, यानी 10% अतिरिक्त बट्टा देगा तो बताइए 1275 का 10% कितना हो जाएगा, पता है आपको कितना होगा, 127.5 हो जाएगा, ठीक है। 1275 का 10% निकालेंगे तो यही आएगा। अब क्या करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे क्योंकि ये भी आपका अतिरिक्त बट्टा दे रहा है, तो अगर हम इसको भी माइनस करेंगे यहाँ पे 0 लगाएंगे तो देखिएगा आप 10 में से 5 जाएगा 5 होगा, यहाँ पे दशमलव होगा 4, यानी यहाँ पे 1 ले लेगा तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 7, क्या बचेगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 7, यहाँ पे आपका कितना है 6 है, 6 में से 2 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, उसके बाद 1 तो यहाँ पे लिख देंगे, यानी जो आपका SP होगा यानी सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 1147.5 रुपये, ठीक है। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप लोग समझ गए तो इसको जल्दी से भी सॉल्व कर सकते, कैसे, अब यहाँ पे 1500 का डायरेक्ट आप लोग 15% बट्टा निकालते, उसके बाद 1500 में से इसको माइनस कर देते, फिर क्या करते जो अतिरिक्त बट्टा है, फिर जो मूल आया है उसमें से 10% माइनस कर देते, तो उसके बाद जो लास्ट में बचता वही आपका क्या हो जाता, विक्रय मूल यानी सेलिंग प्राइस। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकेंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने आ गया होगा, प्लीज़ इसको जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा क्वेश्चन, हम इसको करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। हाँ क्वेश्चन ये है कि अकेले कार करते हुए ए 27 घंटे में कार को पूरा कर सकता है और बी इसे 54 घंटे में कर सकता है, सी के शेयर का पता लगाइए। इसमें आपको सी का शेयर पता लगाना है, यानी सी को कितना रुपए मिला, ठीक है। यदि ए और बी सी क्या करते हैं 12 घंटे में किसी कार को कर सकते हैं, तो कार का पूरा करने के लिए उसे 4320 रुपये का भुगतान मिलता है जिस पर उन्होंने एक साथ काम किया है, यानी जिसमें सभी ने, यानी ए ने भी कार किया है, बी ने भी कार किया और सी ने भी कार किया है, उसको तीनों का मूल कितना मिला है, साथ में आपको दे दिया है 4320 रुपये, यही दिया है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले बहुत ही सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे ए लिखिएगा, यहाँ पे बी लिखिएगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ए कितने घंटे में कर सकता है, कितने घंटे में बताइए, ए कर सकता है 27 आवर्स, बी कितने में 54 घंटे में, और सी ए बी सी कितने घंटे में 12 आवर्स में, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करिए, इन सभी में हमने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है, तीनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। अगर हम तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आपको आता होगा, नहीं आता है तो हमारा एलसीएम का लेक्चर देखिएगा, क्या हो जाएगा तीनों का 108। एलसीएम का मतलब यहाँ पे ये होगा, जो ऐसा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा कौन सा होगा जो सभी संख्याओं से बराबर बराबर कट जाएगा, यानी एक बार में कट जाएगा, ठीक है। 12 से भी 108 कट जाएगा, 54 से भी और 27 से भी, सबसे छोटी संख्या ये है, बड़ी से बड़ी नहीं, सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एलसीएम। अब देखिएगा अगर हम 54 से 108 को डिवाइड करेंगे, 54 से 108 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 54 दूना 108 होता है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे लिखिए,
अगर हम 27 से 108 को डिवाइड करेंगे, चलिए पहले हम 12 से करते हैं, 12 नौ 108, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9। अगर हम 27 से करते हैं, 27 से करेंगे तो 7 चौक 28, यानी आपका हो जाएगा 4। यानी 27 अगर हम 108 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे टोटल वैल्यू आपकी आ गई, यहाँ पे 9 है, ए का है 4 और बी का है कितना 2। अगर हम ए और बी का मूल इसमें से 9 में से माइनस कर दें, क्योंकि हमारा ए प्लस बी तीनों का मूल कितना है, तीनों का मान आपका 9 आया है, तो अगर हम तीनों के मान में से ए और बी का मान माइनस कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, सी का मान। तो अब बताइए 9 में से अगर हम इन दोनों को पहले काउंट करिएगा तो हो जाएगा 4 2 6, 6 को माइनस कर देंगे तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, सी का मान यहाँ पर आ जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 किस में से है, 9 में से है। टोटल वैल्यू आपको कितना दिया है, 4320 रुपये, यही और सी की राशि पूछा है, तो बस इसको क्या कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिएगा, 3 3 9, 3 से काटिएगा इसको तो हो जाएगा 3 3 3, 3 4 12 और 3 4 12, ठीक है। यहाँ पे एक ज़ीरो, यानी सी का मूल यहाँ से आ गया 1440 रुपये, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 1440 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही है ना आंसर, हाँ सही है। अगला आपके सामने आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करिएगा। ये है आपका डिस्टेंस एंड टाइम, यानी तीनों का है, यानी चाल दूरी समय तीनों का सम्मिलित क्वेश्चन है, इसको आप लोग कैसे करेंगे बताइए हमको, आज ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, पहले सॉल्व करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्या है, 80 किलोमीटर की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है, ठीक है, रेलवे स्टेशन से छूटती है और 4 घंटे में उसे आगे निकल जाती है, मालगाड़ी की गति क्या होगी, यही बताइए। हमें मालगाड़ी की चाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माल गाड़ी की चाल बताइए क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, यही बताइए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे यात्री गाड़ी की चाल क्या दिया है, 80 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। अगर हम मालगाड़ी और यात्रा गाड़ी इन दोनों के दूरियों को अगर हम सेम कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, मालगाड़ी की चाल पता चल जाएगी। कैसे देखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा दूरी बराबर दूरी, ठीक है, यानी मालगाड़ी की दूरी और प्लस यात्री गाड़ी की दूरी। अब देखिएगा मालगाड़ी की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मान लेते हैं ये चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। अब देखिएगा ये कितना घंटा चला, पहले तो 6 चला, उसके बाद फिर इसमें 4 और काउंट कर दीजिए, यानी टोटल आपका 10 घंटा चली, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर बराबर क्या करना है। अब देखिएगा 6 घंटे यानी मालगाड़ी के छूटने के बाद 6 घंटे के बाद क्या हो रहा है, ये आपका यात्री गाड़ी छूटती है, तो इसको कितना चलना पड़ रहा है, 4 घंटा, कितना चलना पड़ रहा है, 4 घंटा, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आपका दूरी बराबर होता है, क्या होता है, चाल मल्टीप्लाई समय, समय होता ना, यानी डिस्टेंस मल्टीप्लाई स्पीड और मल्टीप्लाई टाइम, यही होता है, बस इसी कॉन्सेप्ट में हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 आपका कट जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 8 4 32, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चा पाल्टी। तो कैसा गया ये टेस्ट, आपको समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया है वीडियो को फिर से देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम ज़रूर मिलेंगे, आज हमारा मैथ है तो कल आपको पता ही है रीजनिंग रहेगा,
तो कल रीजनिंग का भी टेस्ट दीजिएगा, आप लगातार टेस्ट दे देते रहिएगा क्योंकि हम लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।